जन्मा मुंबई में हुआ, मैं और इकलौती बेटी हूँ, मेरे माता पिता के लिए कोई ब्रदर सिस्टर्स मुझे नहीं है। और मैंने सोचा कि मेरा जीवन बहुत ही सुख होगा, बहुत ही आनंदित होगा, पर जब भी मैं सातवीं कक्षा में आई, मेरे पिताजी पीने को शुरू किया। हमें पता है कि जब भी हमारे पिता ने, तो घर में एक पीने वाला व्यक्ति है तो घर में हमेशा सुख होता है ना, नहीं वो घर में क्या होता है, हमेशा लड़ाई होता है, हमेशा बैड वर्ड्स होता है, हमेशा अच्छी बातें नहीं होती है, हमेशा लड़ाई होता है और उस परिवार में कभी सुख शांति नहीं होता है। तो वैसे ही मेरा भी परिवार होगा, मेरे घर में भी ऐसे हुआ। मेरे पिताजी जल्दी से, मेरे पिताजी जो भी पैसा घर में, जो भी पैसा उनके हाथ में है वो सब पीने के लिए शुरू किया। जो भी पैसा उनके हाथ में आता है सब पी के खत्म होता है, घर में कुछ खाने वाने के लिए कुछ भी नहीं होता। हमारे कोई घर में भी ऐसे ही होता है ना, जब भी हमारा पति नहीं तो फिर घर में ऐसा कोई पापा होता है, जब भी हम लोग पीते हैं तो घर में कुछ नहीं, खाने वाने के लिए कुछ नहीं होता, घर में कुछ शांति वांति नहीं होता है, घर में हमेशा लड़ाई होता है, गालियां हम सुनते। तो मेरे घर में भी वैसे ही है। तो वैसे तो कैसे मैंने अपना 10th कंप्लीट किया, तो मैंने सोचा, तो हम सब सोचे कि यहाँ ठहर नहीं सकते, गांव जाएंगे। मेरे गांव केरल में है, तो हम सब लोग केरल में आए। तो केरल में आने के बाद मैंने सोचा कि सब अच्छा होगा, सब अच्छी तरह से मेरा फैमिली जाएगा करके मैंने सोचा, पर उल्टा ही हुआ। अधिक से अधिक पीने के लिए शुरू किया। तो मैंने अपने घर में हमको मेरा घर नहीं है, तो मैंने अपने के घर में वहां रहने की शुरू की। 8 महीने के बाद हम वहां ही रहते थे। 8 महीने के बाद मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि मैं वापस जा रही हूँ, कुछ काम वहां मुझे मिलेगा तो मैं तुझे लेके जाऊंगी और वहां हम रहेंगे। तो मैं तो बहुत खुश हुई, पर मम्मी जाने से मुझे बहुत ही दुख था, क्योंकि मुझे पिताजी है पर पिताजी को मुझसे प्यार नहीं है, उनको प्यार करने के नहीं आता है, तो पिताजी कभी मुझसे प्यार नहीं करते। तो एक दिन ऐसा हुआ, मम्मी जाने के बाद मैं प्लस टू ज्वाइन कर रही थी, प्लस टू में पढ़ रही थी, तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे अंकल ने मुझे बोला, प्रीति तेरी मम्मी तो चली गई, अभी तो तू यहाँ नहीं रह सकती, तो इस घर से चली जानी पड़ेगी करके बोली। तो मैंने तो बहुत ही दुख हुआ, बिकॉज मुझे मेरा जन्म मुंबई में हुआ, इसीलिए मुझे मेरा भाषा केरल भाषा मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है, बोलना नहीं आता है। तो मैंने सोचा मैं कहाँ जाऊंगी, दूसरा घर तो मुझे नहीं है, तो सिर्फ यही घर है, तो यहाँ से मैं, अगर आपने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी करके मैंने सोची। तो मैंने क्या किया, ये मेरे पिताजी को बोला, तो पिताजी को बोला और मैंने पापा को बोला कि अंकल ने मुझे ऐसे बोला, तो पिताजी ने मुझे बोला तो जो वो कह रहे हैं वैसे ही आप करो करके बोला। जो अंकल जी ने क्या बोला वैसे ही करो करके बोला। तो मुझे पता नहीं मुझे क्या करना है, तो मैंने बैग लिया, अंकल ने मुझे घर से और मेरे पापा घर से मुझे निकाल दिए। तो मैंने बैग लेके स्टेशन पर शाम तक वहां ही ठहरी, मुझे कहां जाने के लिए मुझे पता नहीं, मुझे मेरा भाषा पता नहीं, कौन से बस में चढ़ना है वो भी मुझे पता नहीं, कोई है तो मैं उनको पूछेंगी कि ये मेरा घर मलप्रा वहां है, तो वहां का बस कौन सा है, तो बोलूंगी, वो बोलेंगे तो ये है बस, तो वैसे मैं बस पकड़ती हूँ क्योंकि मुझे वहां का भाषा पता नहीं है। तो वैसे एक आंटी से मुलाकात हुआ, मैंने आंटी को बोला कि घर से मुझे निकाल दिया है। आंटी जल्दी से जल्दी, मेरे मम्मी अंकल के एक फोन नंबर था, अंकल को बुलाया और मम्मी से मैंने बातचीत हुआ और मम्मी को बोला कि घर में उसे मुर्गा निकाल दिया। तो मैंने फिर वो आंटी के साथ घर में मैं वापस आई और मैंने बोला कि 1 महीने के बाद मेरी मम्मी आऊंगी, उसके बाद मैं चले जाऊंगी करके बोला। फिर भी घर में आने के बाद वो घर वाले कोई मुझसे बातें नहीं करते थे, खाना मुझे नहीं देते थे, बहुत ही दुखी थी, क्या करूं, कोई मुझसे बातें करने के लिए, कोई मुझसे प्यार करने के लिए, कोई नहीं है मुझे। और 1 महीने के बाद मेरी मम्मी वापस आई। मम्मी वहां एक मम्मी उससे पहले हम जब भी मुंबई में थी, यीशु मसीह से प्रार्थना करने के बहुत सारे लोग हैं, पर मेरी मम्मी को उनको अच्छा नहीं लगता था। मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि वो अच्छे लोग नहीं है, उनसे बातें मत करो, वो ऐसे हमेशा यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, वो ऐसा अच्छा लोग नहीं है, वो अच्छा लोग नहीं, ऐसे उनसे कभी बातें नहीं करना है, उनसे देखना भी नहीं है, ऐसे मुझे हमेशा बोलते। तो मेरे दिमाग में क्या है, ये लोग अच्छा नहीं है, तो मुझे ऐसे ही बोले कि ये लोग अच्छा नहीं है, तो मेरे दिमाग में ऐसे ही उनसे बातें करना अच्छा नहीं है, ये लोग अच्छा नहीं है।
पर जब भी मम्मी वापस आने के बाद मम्मी ने मुझे बोला कि नहीं हम चर्च जाएंगे, पेंटेकोस्ट चर्च जाएंगे, यीशु मसीह ने मुझे मेरे जीवन में एक चंगाई दिया है, हम अभी से पेंटेकोस्ट चर्च जाएंगे। तो मैंने सोचा, मैंने तो अपने दोस्त के साथ, मैंने अपनी सहेली के साथ टेम्पल में गई, वहां बहुत सारे स्टैचूज है उनके, वहां जाके प्रार्थना करती थी, जो कुछ प्रसाद वसाद देते थे वो मैं खाती थी। तो मैं सोची ये होगा शायद उनका भगवान। और मॉस्क में जाती थी तो वहां भी सब लोग हैं, वहां भी ऐसे खड़े होते, तो मैं सोचती थी यहाँ होगा शायद भगवान, तो वहां भी जाके मैं प्रार्थना करती थी। तो मुझे कोई भगवान से मुलाकात नहीं हुआ। चल जाती थी मैं, पर वहां भी कोई भगवान से मुझे मुलाकात नहीं। तो मैंने सोची सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, कोई भगवान को भगवान नहीं है, सिर्फ लोग ऐसे वही कोई शक्ति है, शायद ऐसे ही होगा, कोई भगवान नहीं है, मैं वैसे सोचती थी। तो मैंने सोचा ठीक है, तो मम्मी ने मुझे बोला कि हम पेंटेकोस्ट चर्च जाएंगे, तो मैंने सोचा सब मैं कहां गई, सब जगह में गई, कोई भगवान से कोई मुलाकात नहीं हुआ, कोई भगवान मुझसे बातें नहीं किया, तो फिर चलेंगे यहाँ कौन सा भगवान है, तो चलेंगे यहाँ भी देखो कोई भगवान होगा, नहीं तो नहीं, ऐसे सोच के मैं वहां चली गई। तो पर वहां जाने के बाद जब भी पास्टर जी बाइबल लेते हैं, जब भी पास्टर जी प्रचार करते हैं, प्रचार करते हैं, तो भी मुझे लगा कोई ना कोई इस दुनिया में है जो मुझसे प्यार करता है, कोई ना कोई व्यक्ति है जो मुझसे देखता है, कोई ना कोई व्यक्ति है जो मेरे दिल में जो दुख है उसे जानता है। जो भी पास्टर जी मुझसे वचन से लिखे भले के प्रचार करते हैं, तो मुझसे मुझे लगता है कोई मुझसे बातें करता है, मेरे दिल में जो जो मैं सोचती हूँ वो सब पास्टर जी बोलते हैं। तो कोई है इस दुनिया में जो मुझसे प्यार करता है। तो पहले मैं मेरे जीवन में कोई शांति नहीं था, जब भी कोई मुझे बोला थी ना आखिरी इच्छा क्या है, तो मैं उनको इच्छा नहीं बोलती थी, पर मेरे मन में बोलती थी मेरी एक ही इच्छा है, मुझे मरना है, क्योंकि इस दुनिया में मुझे कोई नहीं है। जब भी मैं स्कूल जाती थी तो मैं एक बोलती थी, कोई भी भगवान हो सुनो कि मुझे वापस नहीं आना है, सिर्फ मेरा डेड बॉडी आना है, क्योंकि मुझे जीना नहीं है, मुझे जीना पसंद नहीं है, क्योंकि कोई भी नहीं है मेरे जीवन में, मुझे प्रेम करने के लिए, मुझे प्यार करने के लिए मुझे कोई भी नहीं है। तो मुझे, मैं हमेशा बोलती थी कि मुझे मरना है, मुझे जीना नहीं है। तो हमेशा प्रार्थना करती थी जब मैं वापस आऊंगी तो मुझे मरना है, मुझे डेड बॉडी ही आना है मेरे घर में। पर कभी ऐसा नहीं हुआ, जब मैं स्कूल जाती थी तो मेरा, मैं ही वापस जाती थी, कभी मेरा डेड बॉडी कभी नहीं आया। और जब प्रार्थना, जब हम चर्च जाते हैं, तो वैसे हम चर्च जाने के लिए शुरू किया, तो वहां से जब हम चर्च जाने के शुरू किया, तो मेरा एक ही प्रार्थना था कि मेरा पापा भी चर्च में आना है। सो वी वाज जस्ट प्रेइंग टू गॉड, वी वाज फास्टिंग एंड प्रेइंग टू गॉड के मेरे पिताजी भी एक साथ हमें चर्च में जाना है। जब भी हम प्रचार करते हैं, जब पास्टर जी प्रचार करते हैं, तो मुझे लगा कोई ना कोई मुझसे बातें करता है। तो मैंने क्या किया, कंप्लीटली आई डेडिकेटेड माई लाइफ टू जीसस, मैंने अपना जीवन पूरा यीशु मसीह के हाथ में सौंप दिया। और मैंने ऐसा कहा, यीशु मसीह अगर आप हो तो मुझसे बातें करो, अगर आप सच्चा खुदा है तो मुझसे बातें करो। तभी यीशु मसीह मुझसे बातें करना शुरू किया, जब मैं ये वचन पढ़ना शुरू किया, यीशु मसीह मुझसे बातें करना शुरू किया, तभी मुझे समझ में आया है एक परमेश्वर है, एक खुदा है, वो कौन है, यीशु मसीह है। ऐसे मेरे जीवन में मैंने कंप्लीटली अपने लाइफ मैंने डेडिकेट किया, और मैंने बोला कि मैं जीऊंगी तो परमेश्वर के लिए, और मरूंगी सिर्फ परमेश्वर के लिए। ऐसे मेरा जीवन कंप्लीटली मैंने यीशु मसीह के हाथ में सौंप दिया, और मैं प्रार्थना करना शुरू की कि मेरे पिताजी भी एक साथ हमारे साथ आना है। कहां आना है, कलीसिया में आना है, हमें एक साथ यीशु मसीह से प्रार्थना करना है। पर मेरे पिताजी को अच्छा नहीं लगता था कलीसिया में आने के लिए, चर्च में आने के लिए, बाइबल कभी उनके हाथ में से कभी नहीं लिया है, कभी वो प्रार्थना नहीं करते, वैसा व्यक्ति था मेरे पिताजी। तो हमेशा मैं प्रार्थना करती हूँ, कॉलेज जाती हूँ, अगर कॉलेज में कुछ स्ट्राइक है, कॉलेज में कुछ छुट्टी है, तो जल्दी से जल्दी मैं चर्च में आती हूँ, और we always pray to God, my father should come to church, मेरे पिताजी जल्दी से जल्दी चर्च में आना है, ऐसे हमेशा मैं प्रार्थना करती हूँ। तो आपके जीवन में भी ऐसे ही होगा, है ना, आपके जीवन में भी ऐसे ही होगा, कोई शायद बच्चे यीशु मसीह में नहीं है, शायद पति अपने यीशु मसीह में नहीं है,
पत्नी यीशु मसीह में नहीं है तो आपको सिर्फ एक ही करना है, घुटनों में बैठना है और यीशु मसीह से प्रार्थना करना है, जो भी मेरे जीवन में क्या क्या मुझे चाहिए, मुझे कोई नहीं है तो बोलने के, जब मुझे ड्रेस चाहिए तो मुझे मम्मी को नहीं बोल सकती क्योंकि मम्मी के हाथ में पैसा नहीं है, पापा को नहीं बोल सकती क्योंकि पापा के हाथ में पैसा नहीं है, तो मुझे कुछ भी चाहिए तो मैं क्या बोलती हूँ, जस्ट घुटनों में बैठती हूँ और बोलती हूँ यीशु मसीह मुझे वो चाहिए, जो जो मुझे चाहिए मैं यीशु मसीह से बोलती हूँ, मुझे पेन चाहिए नहीं तो मुझे जो कुछ चाहिए मैं यीशु मसीह से प्रार्थना करती हूँ और यीशु मसीह सब कुछ मुझे देता है। और एक दिन ऐसा हुआ जब हम बपतिस्मा, मैं और मम्मी बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हुआ और मेरे पिताजी को मैंने बोला कि नेक्स्ट संडे मैं बपतिस्मा लेने जा रही हूँ। और मैंने क्या किया, मुझे बहुत सारे ऑर्नमेंट्स था मेरे गले में, ऑर्नमेंट्स था और मैंने क्या किया, वो ऑर्नमेंट्स सब मैंने निकाल दिया। तो पहले वहां केरल में जब बपतिस्मा लेते हैं हम ये सब निकाल देते हैं, तो मैंने ये क्या किया, मैंने ये सब निकाल दिया और पिताजी को ये अच्छा नहीं लगा, तो मैंने पापा को बोला कि नेक्स्ट संडे मेरे बपतिस्मा है करके बोल के मैं चर्च चली गई। अच्छा, मैं चर्च घर से आई, चर्च जाने के बाद घर से आई, तो घर में जब घर में आई तो पापा ने जल्दी चाकू लिया और हमें मारने की कोशिश की, तो मैंने जल्दी से जल्दी वहां रुकने से कोई कुछ ना कुछ होगा करके मैंने सोचा, तो जल्दी मैंने मम्मी का हाथ पकड़ के दूसरे घर में चली गई। एक मसीह का घर है, एक प्रार्थना करने का घर है, तो एक साथ हम वहां घुटने में बैठ के मेरे पिताजी के लिए प्रार्थना किया और उस रात फुल हमने प्रार्थना किया कि कभी पिताजी ऐसे हरकतें नहीं हमें करना चाहिए, कभी फिर कभी नहीं चाकू नहीं लेना चाहिए क्योंकि हम बपतिस्मा ले रहे हैं। पर मिरेकल यह है कि उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ हमारे घर में और नेक्स्ट संडे हमारा बपतिस्मा भी हो गया। फिर ऐसे ही मैं पिताजी के लिए प्रार्थना करने शुरू की, मेरे मम्मी भी प्रार्थना करने शुरू, हम सब जस्ट प्रेइंग टू गॉड फॉर अवर फादर। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि फास्टिंग और प्रेयर, फास्टिंग प्रेयर था हमारे चर्च में, 21 डेज फास्टिंग प्रेयर था और फास्टिंग प्रेयर जब भी 21 डेज फास्टिंग प्रेयर मैंने लिया, 21 डेज फुल फास्टिंग था और उसके बाद फास्टिंग प्रेयर के बाद मेरे एक कान में बहुत ही दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा जो मेरे पहले पाप कहा कि मुझे कोई नहीं है, मुझे कुछ भी चाहिए तो देने के लिए, सो मैं क्या करती थी, आई वाज जस्ट प्रेइंग टू गॉड, जस्ट प्रार्थना करती थी। तो ये जब भी मुझे दर्द होने लगा तो मेरे पास पैसे नहीं था डॉक्टर के पास जाने के लिए, एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीन दिन हुआ, तो मैंने क्या किया, मम्मी को बोला कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तो मम्मी ने क्या किया, बगल से जाके थोड़ा पैसा ले लिया और हम अस्पताल गए। अस्पताल जाने के बाद थोड़ा मेडिसिन लिया, पर मेडिसिन लेने से मुझे बहुत दर्द होता है, हमेशा कुछ ना कुछ मेडिसिन लेंगे तो हमें दर्द कम होता है ना, पर मुझे ऐसा नहीं हुआ, मुझे दर्द बहुत हो रहा था, तो मैंने बोला ये मेडिसिन से मुझे नहीं हो रहा है, मुझे दर्द बहुत हो रहा है, तो मैंने क्या किया, वो मेडिसिन मैंने रहा रख दिया और मैंने सोचा शायद वो हो जाएगा, हील हो जाएगा, चिंगाई हो जाएगा मैंने सोचा। पर चार दिन हुआ, पांच दिन हुआ, दर्द तो बहुत ही हो रहा था, मैं सह नहीं सकती थी, तो मैंने क्या किया, तो ये मेरा जो कान है ना यहाँ से पस सब निकल रहा था और मैं ऐसे मेरा हेड ऐसा हिला नहीं रही थी, बहुत ही दुख हो रहा था, बहुत ही दर्द हो रहा था और मम्मी को मैंने उसे बोला कि हॉस्पिटल जाना होगा, मुझे दर्द नहीं मैं सह सकती। तो मम्मी ने क्या किया, दूसरे घर से जाके थोड़ा पैसे लेके आया और हम एक साथ हॉस्पिटल गए, वहां से थोड़ा मेडिसिन लिया और घर वापस आए। और शाम को जब मैं मेडिसिन लेने के लिए शुरू किया, थोड़ा मेडिसिन मैंने हाथ में लिया और खाने की शुरू की, तो मुझसे कोई ऐसा बोल रहा है कि तुझे इतना दर्द है तू मुझसे क्यों नहीं बोला, तो मुझे सोचा कि यीशु मसीह मुझसे बातें कर रहा है, तो सही कहा यीशु मसीह ने कि पांच दिन हुआ, छह दिन हुआ, मुझे इतना दर्द होता है, पर एक टाइम भी मैंने यीशु मसीह से प्रार्थना नहीं किया कि मुझे चंगाई चाहिए। मेरे पिताजी के लिए मैंने बहुत दिन प्रार्थना किया, एक साल की और दो साल की प्रार्थना किया, पर कोई फर्क नहीं था। पर यहाँ क्या हुआ, जब मैंने यीशु मसीह से बोला कि मुझे चंगाई चाहिए और जो मेडिसिन मैंने हाथ में लिया वो मैंने बाजू में रख दिया और ऐसे बोला, और ये वचन पढ़ने के बाद मैंने ऐसे यीशु मसीह से प्रार्थना किया कि मुझे चंगाई चाहिए करके बोला, सिर्फ एक ही टाइम मैंने बोला और खाना खाने के बाद मैं सो गई, वो जो मेडिसिन मैंने लिया वो नहीं लिया और मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने वो फेंक दिया, मुझे उतना
विश्वास था कि यीशु मसीह मुझे चंगाई देगा करके उतना विश्वास था। और हमेशा सवेरे 3 बजे हम उठते हैं, मैं और मेरी मम्मी हमेशा उठते हैं प्रार्थना के लिए। 2:30 बजे हुआ तो मुझे ऐसे ही मैंने एक ऐसा साउंड मैंने सुना, प्रीति जल्दी उठो, मैंने तुझे एक चंगाई दिया है करके बोला। अरे मैं जल्दी उठी और मैंने क्या क्या जल्दी यहाँ टच करके देखा तो मुझे कोई दर्द नहीं है, कोई पेन नहीं है, और मैंने ऐसे सब किया तो मुझे दर्द ही नहीं हो रहा। तो मैंने जल्दी मम्मी को उठाया, मम्मी उठो, यीशु मसीह मुझे चंगाई दी है। क्या आप जोर से हल्लेलुया बोलेंगे? और वो यीशु मसीह जो मेरे जीवन में चंगाई दी है, वो यीशु मसीह यहाँ है। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स है, आपके जीवन में कोई शांति नहीं है, आपके जीवन में कोई बीमारी है, तो क्या करना है? यीशु मसीह के नाम से आप प्रार्थना करो। यीशु मसीह है, जिंदा खुदा है हमें चंगाई देने के लिए। यीशु मसीह अभी भी है हमारे बीच में, इस चर्च में है, इस कलीसिया में है हमें चंगाई देने के लिए। सिर्फ यीशु मसीह से क्या करना है? यीशु मसीह से प्रार्थना करना है। हमें यीशु मसीह को कुछ नहीं देना है, पैसे वगैरह नहीं देना है, पैसे वगैरह नहीं, गाड़ी वाली यीशु मसीह को नहीं चाहिए। यीशु मसीह हमें सब कुछ देता है। पर यीशु मसीह कभी भी बोला है कि मुझे तुम्हारे साथ ये चाहिए, तुम्हारे पास मुझे पैसा चाहिए, तुम्हारे मुझे तुम ये मुझे चाहिए नहीं। यीशु मसीह सिर्फ ये ही चाहता है कि हम उसे थैंक यू बोले, उनकी महिमा करे। सिर्फ वो ही यीशु मसीह हमसे चाहता है ना? तो हमें क्या करना चाहिए? हमेशा यीशु मसीह से प्रार्थना करना चाहिए। और इस मैंने जब जैसे बोला कि मैंने अपने पिताजी के लिए 2-3 साल हमेशा मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं और मम्मी मेरे पिताजी के लिए प्रार्थना कर लेती हूँ। पर एक दिन मेरे पिताजी गुजर गए, वो कभी अपने हाथ से बाइबल नहीं लिया है, कभी यीशु मसीह से प्रार्थना करते मैंने कभी नहीं सुना है, कभी नहीं। मैं सोची कि कभी ना कभी मेरे पिताजी मेरे साथ आएंगे, हम एक साथ यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे। कभी वो प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे जीवन में सफल नहीं हुआ। पर मैं जो भी कुछ, पर हमारे जीवन में दूसरा बहुत सारे प्रेयर क्वेश्चन है। आप भी हमें बहुत सारे प्रेयर क्वेश्चन हम आपके जीवन में भी है। जब भी आप यहाँ आते हैं हमेशा प्रेयर करते हैं। पर कोई प्रेयर क्वेश्चन हमें जल्दी उत्तर मिलता है, पर कोई प्रेयर क्वेश्चन हमें बहुत देरी लगती है। पर तभी भी हमें क्या करना है? विश्वास से हमें प्रार्थना करना है कि यीशु मसीह कभी ना कभी मुझे उत्तर मिलेगा। जोर से हल्लेलुया बोलेंगे, कभी ना कभी यीशु मसीह मुझे उत्तर देंगे। कभी आपका विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। अभी 6 साल हुए मेरे पिताजी गुजर गए, मेरी माता भी गुजर गए। पर उसके पहले तभी मैं डिग्री सेकेंड ईयर पढ़ रही थी, थर्ड ईयर हुआ और शादी के टाइम हुआ, तो मेरी मम्मी हमेशा प्रार्थना कर रही थी कि प्रीति का शादी होना चाहिए। तो यहाँ थोड़ा यंगस्टर्स है, टीनेजर्स यहाँ बहुत सारे बैठे हैं। तो मेरे जीवन में यीशु मसीह से मैं प्रार्थना करती थी कि मुझे कुछ डिमांड्स वगैरह नहीं है, बिकॉज मुझे मेरे डिग्री के बाद मुझे और पढ़ाई करना है। पर मैंने प्रभु को बोला कि आपकी इच्छा जो आपको अच्छा लगता है वो मेरे जीवन में हो। तो मैंने ऐसे प्रार्थना करने के लिए शुरू किया, आपकी इच्छा, आपको पता है कौन मेरा पति होगा। और मैंने ऐसे प्रार्थना किया, आपको पता है कौन मेरा पति होगा, वो ही मेरे घर में मुझे देखने के लिए आना है। और ऐसे ही हुआ, एक दिन मेरे पति आए मुझे देखे और उन्हें भी सिर्फ एक ही लड़के को देखा और मैंने सिर्फ एक ही लड़के को देखा और हमारा शादी हुआ। और मैं भी कहना चाहती हूँ कि आप डिग्री में पढ़ते हो, प्लस टू में पढ़ते हो, शायद आपके जीवन में बॉयफ्रेंड्स होगा, गर्लफ्रेंड्स होगा, हमें नहीं चाहिए कोई बॉयफ्रेंड्स कोई गर्लफ्रेंड्स, हमें नहीं चाहिए। अगर इतना अच्छा हेल्थ यीशु मसीह हम दे सकते हैं, जो कुछ आपको चाहिए यीशु मसीह दे सकते हैं, क्या यीशु मसीह को एक अच्छा लड़का एक अच्छा लड़की नहीं दे सकते? यीशु मसीह दे सकते हैं ना? तो फिर हम क्या करना चाहिए? हमें हमारा जीवन अच्छी तरह से जीना चाहिए। यीशु मसीह जो भी हमें चाहिए यीशु मसीह देंगे, पर सिर्फ किसके नाम से देंगे? यीशु मसीह के नाम से। कई जोर से हल्लेलुया बोलेंगे।
शायद यहाँ बहुत सारे जन बैठे होंगे कि उनके जीवन में शांति नहीं होगा, उनके फैमिली में शांति नहीं होगा, शायद उनके पति दारू पीने वाला होगा, शायद उनके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको घुटने में बैठना है और प्रार्थना करना है, यीशु मसीह के मेरे घर में शांति दो। जैसे यीशु मसीह मेरे घर में शांति दिया है, जैसे यीशु मसीह मेरे मुझे चंगाई दिया है, वैसे आपके जीवन में भी यीशु मसीह चंगाई देंगे, आपके जीवन में आपके परिवार में भी यीशु मसीह शांति देंगे। और वो यीशु मसीह अभी भी जिंदा है, यहाँ भी आया है। जोर से खलिया बोलेंगे। एक छोटा सा अनुभव कल रात मुझे हुआ था। एक हफ्ते के दो तीन दिन के पहले मुझे यहाँ आने के बाद सर्दी वगैरह था और बहुत खांसी था। तो तीन चार पहले के दिन के पहले रात फुल खांसी था मुझे, मैं सो नहीं पा रही थी, फुल खांसी। जब भी मैं सोने जा रही थी आंख में नींद आती है, मैं जस्ट लेटने जाती हूँ तो मुझे खांसी आता है और मैं सो नहीं पा रही थी। तो कल रात को भी ऐसे ही हुआ। यहाँ वीडियो सब होने के बाद जब मैं घर में चली गई तो 11 बजे हुआ, 12 बजे हुआ, 1 बजे हुआ, मैं तो सो नहीं पाती। जब भी मैं सोने जाती हूँ तो मुझे खांसी आता है और मैं उठ के बैठती। तो मैंने सोचा इस रात में सोने नहीं जाऊंगी, मैं नहीं सो पाऊंगी, शायद मैं नहीं सो पाऊंगी बिकॉज आज मुझे चर्च भी आना है। तो मैंने सोचा, जस्ट ऐसे बैठ रही थी और खांसी से मुझे सो नहीं पा रही थी, तो मैंने क्या किया, तो ऐसे जस्ट चिंता करके बैठी, मैं क्या करूं, सो नहीं सकती। तो मैं जल्दी से जल्दी क्या किया, जल्दी से जाकर गुट में बैठी, यीशु मसीह से प्रार्थना की, यीशु मसीह मुझे अच्छा नींद चाहिए क्योंकि आज सवेरे मुझे इस चर्च में आना है, आपकी आराधना करना है, मुझे अच्छा नींद चाहिए। सिर्फ उतना ही मैंने बोला, मुझे पता नहीं मैं कब सो गई और अच्छा नींद यीशु मसीह ने मुझे दिया और आज सवेरे अच्छा से अच्छा ड्रेस करके मैं यहाँ आने की मौका मुझे दिया। क्या जोर से खलिया बोलेंगे। तो एक छोटा सा गवाही था मैंने कल रात को जो मैंने अपने आपने अनुभव से किया। तो जो भी आपको चाहिए किसके नाम से हमें बोला है, यीशु मसीह के नाम से। किसके नाम से हमें बोला है, क्या जोर से बोलेंगे, हमें जो भी चाहिए किसको प्रार्थना करना है, यीशु मसीह के नाम से हमें प्रार्थना करना है। आपको जो भी चाहिए कौन देंगे, यीशु मसीह। एक साथ हम प्रार्थना करेंगे। कैन यू ऑल क्लोज योर आईज, हमें आंखें बंद करोगे।